हाँ जी हेलो जी आप बोलना ये था कि सुनो बाहर से बाहर जमानत हो गई कोर्ट में पेश हुआ है वो बाहर से बाहर जमानत बाहर अच्छा ना आपने इसमें एसटी एक्ट लगाया नहीं एसटी एक्ट कैसा लगता है इसमें एक्सीडेंट में कौन एसटी एक्ट लगता है अच्छा बताओ आपका रिटायरमेंट कितने दिन बाद है बताओ पहले मुझे 8 साल बाद है 8 साल बाद है ना जी बस समझ जाओ या खुल के बोल लो कुछ बोल दो ये केस आपका सहायक की तरह पिछड़ नहीं छोड़ेगा रविकांत नाम है मेरा और मैं शोषित क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सुनो हाँ चलो आगे बताओ आगे चलो आप ही कह रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपका 8 साल है ना 52 साल हो गए 7 साल रिटायर हो जाओगे आप हाँ हाँ बिल्कुल 7 साल का रिटायर हो जाओ और मैं आपकी बेटे की उम्र का हूँ ध्यान रखना जी और मैं कड़वा बोलना नहीं चाह रहा आपको जो आपने अपने डिपार्टमेंट आपने कहा था मेरा बच्चा है मेरा धर्म है आपसे मुझे जरूरत नहीं है जी कितने मोटे पैसे खाए आपने ईमानदारी से बता दो मैं किसी को बताऊंगा नहीं नहीं ना आप ही बता दो अंदाजा लगा लो कितना पैसा खा गया होगा मैं इसमें मुझे लगभग लगभग ज्यादा तो नहीं खैर 5 से 8 लाख रुपए का आइडिया मेरा तो आप सिद्ध कर दोगे नहीं आपने खाया है मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा नहीं आप सिद्ध कर दोगे क्या मैं 20 लाख दूंगा महेंद्र सिंह जी एक गरीब का बच्चे की हत्या पचा गए आप ध्यान रखने की बात का और सुनो बताओ हाँ मैं सिविल लाइन 74 शर्मा नगर से बात कर रहा हूँ कहाँ से 74 शर्मा नगर सिविल लाइन थाने से बात कर रहा हूँ सिविल लाइन कहाँ का थाना है मैं दोबारा बता रहा हूँ रविकांत राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित क्रांति दल क्षेत्रीय कार्यालय 74 शर्मा नगर सिविल लाइन्स मेरठ कभी आपसे रूबरू बात करो हमसे रूबरू नहीं आपने आत्मा दिखा दी भाई साहब नहीं आप रूबरू आके बात करिए हमसे ठीक है आपने दिल दुखाया भाई साहब बहुत दुख हुआ बहुत बहुत उम्मीद नहीं थी मेरी बात सुनो आप किसी बढ़िया एडवोकेट को करिए और उससे मेरी कार्रवाई के बारे में पूछिए ठीक है आपको नहीं था लेकिन जब पता लगाना कि बाहर से बाहर बेल हो गया आप जैसे होते हुए अरे मेरी बात तो सुन लो आप ना किसी अच्छे वकील से इस विषय में संपर्क कीजिए कि इसमें मतलब प्रोसीजर क्या है और पुलिस की तरफ से क्या कमी रही है क्या या पुलिस ने अपनी तरफ से इसमें कोई अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें SC ST एक्ट बढ़ेगा 4,12,500 रुपए एक मिलेंगे एक महीने बाद 4,12,500 रुपए एक मिलेंगे और बुरा मत मानना अगर आप ठाकुर हैं तो आपके विरुद्ध SC ST एक्ट का मुकदमा होगा मैं ठाकुर नहीं हूँ और मैं ज्यादा हूँ बस ये सुनना था मुझे ये सुनना था बस अरे मेरे पास और मेरे विषय में मेरे परिवार के विषय में जानना चाहो तो मैं एक दिन आपने मुझसे ये कहा था कि मेरी रिश्तेदारी हापुड़ मेरठ में उस दिन समझ गया था कि आप प्योर चमार हैं और आपने हमारे भाई की मौत का सौदा करा बहुत मोटे स्तर पर आपको मुझे बात पे शोभा नहीं देगी यदि आप नेता हैं मैं नेता नहीं हूँ मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ और मैं शोषित जन सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आपको बता दूँ कोई बात अगर मैंने आपका पेंशन ग्रेजुएटी ना बिगाड़ दी ना जिसमें कुत्ता खाता उसमें खिला देना बस इतना कह रहा हूँ मैं आपको और एक काम करना रात के 11:30 बज रहे हैं वो तो वक्त बताएगा आप एक बार गूगल करना वक्त आपको ही बताएगा उस यादव को ही बताएगा और जो शिरोमणि कमांडर है उसे बताएगा मैंने पीड़ित से पहले कहा था मैंने कि ये पार्टी चमार है मुझे पहले शक था आप पे ठीक है चलिए आप इस समय मैंने नहीं कर रहा कि आप सही मूड में बात कर रहे हो मुझसे मैं आप मेरा छोटे आपने मुझसे कहा था मेरा बेटा है रविकांत जी और मुझे आपसे जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र लेने की मैं इसमें कार्रवाई करूंगा मेरा धर्म है तो मैंने कार्रवाई की आपने कार्रवाई नहीं की आपने मोटा बाल बनाया है जो कुछ कर और आप सिर्फ अपनी खींच निकाल रहे हैं और आप मेरा फोन भी दबाव में उठा रहे वरना आपकी मतलब आप मेरा फोन भी उठाते नहीं मैं फोन क्यों दबाव में उठा रहा हूँ मैं तो जो भी आ रहा है मैं फोन उठा रहा हूँ नहीं नहीं मुझे पता थी अपराध लिखे हैं किसी और की हिम्मत नहीं है किसकी किसी और की